आईपीएल का 13वां सीजन खत्म होने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 27 नवंबर से शुरू हो रहा है जो 19 जनवरी तक चलेगा। 17 दिसंबर से शुरू होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी 3 मैचों में विराट कोहली टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे। बता दें कि अगले साल जनवरी में विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा माँ बनने वाली है और वे इस दौरान अपने परिवार के साथ भारत में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की गैर मौजूदगी को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बड़ा बयान दिया है। कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट सीरीज के अंतिम 3 मैचों में भारत को आसानी से हरा देंगी। विराट कोहली जनवरी में पिता बनने वाले हैं, जिसकी वजह से वे 17 दिसंबर से एडलिन में होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच के बाद वापस भारत लौट जाएंगे और सीरीज के बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने सोमवार को ही विराट कोहली को पेटर्निटी लीव की मंजूरी दे दी है। विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में होगी। बता दें कि अजिंक्य रहाणे भारत की टेस्ट टीम के उप कप्तान है और कोहली की गैर मौजूदगी में वही टीम की कमान संभालेंगे। वॉन ने एक ट्वीट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों के लिए विराट कोहली नहीं होंगे। अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए उन्होंने अच्छा और सही फैसला लिया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आसानी से ये सीरीज जीत जाएंगी। वॉन ने कहा कि ये उनके निजी विचार है। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे और T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 27 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों को 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है जो 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक खेली जाएगी। T20 सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी शुरू होगी। 17 दिसंबर से एडलिन में होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच के बाद दोनों टीम 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा टेस्ट खेलेंगी, जिसके बाद तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में और चौथा टेस्ट 15 जनवरी 2021 से गाबा में खेला जाएगा। इनफॉर्मल चैट्स, लंबा लंबा ज्ञान, इतना लंबा वीडियो आखिर कब तक? पॉइंट पे आओ ना यार, मुझे बेकार का ज्ञान नहीं सटीक खबर चाहिए। अगर आप भी इनकी तरह बोरिंग चैट्स और लंबे लंबे वीडियोस से परेशान हैं तो सब्सक्राइब करें NN Sports।